आदाब सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं नीतीश कुमार। तो की हाल चाल, आज आप लोग को बताएंगे इस वीडियो में काउंसलिंग के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट अभी ही बना ले ताकि काउंसलिंग के टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसी रिगार्डिंग इस वीडियो को मेरे पास टाइम ना होते हुए भी आप सबके लिए बना रहे हैं। हम लोग का भी एग्जाम चल रहा है, तो इसी कारण से अभी अच्छा से एडिटिंग उतना ना कर पाएंगे, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए और आप लोग को हो सके ना पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। हम जो जो पॉइंट है बता रहे हैं उसको आप जो है लिख लीजिए, ठीक है, और उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट को अरेंज कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, अभी आप लोग पास भी कुछ टाइम है, अभी काउंसलिंग आया नहीं है, तो अभी आप लोग जो है इनकम, रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए। और बात कर रहे हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखो भाई, पहले आप लोग जो है फॉर्म भरे होंगे तो एडमिट कार्ड मिला होगा, है ना। तो पहले एडमिट कार्ड, जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है, उस पर साइन भी होना चाहिए नीचे में, उसका जो है 5 जीरोक्स निकाल लीजिए। फिर पास आउट के होंगे तो कितना रैंक आया है वो रैंक कार्ड का फिर 5 जीरोक्स निकाल लीजिए। फिर आपको जो है चॉइस फिलिंग की होंगे, जब अब चॉइस फिलिंग आने वाला है तो उस चॉइस फिलिंग का जो है 5 जीरोक्स निकाल लीजिए। फिर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसका फिर 5 कॉपी जीरोक्स निकाल लीजिए, यानी उसको अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं। और साथ में जो है जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप किए होंगे उस टाइम पार्ट ए एंड बी करके एक फॉर्म आता है, अगर उस टाइम आप फॉर्म निकाल लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो अभी भी आप वेबसाइट के पे हैं वो जो है 4 पीस निकाल लीजिए उस ए एंड बी फॉर्म को। ये तो हो गया उस, हाँ, और मेडिकल सर्टिफिकेट की बात है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप या तो अभी बना लीजिए या तो जिस टाइम एडमिशन होगा आफ्टर काउंसलिंग तो उस टाइम भी आप बना सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे बच्चे ये होंगे जो आपने जो है, कुछ बच्चे 12 जस्ट पास आउट किए होंगे, कुछ बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कुछ पास आउट हो गए होंगे, तो करेक्टर सर्टिफिकेट की बात है, माइग्रेशन की बात है, जहाँ से आप अभी जस्ट पास आउट हुए हैं वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए। जैसे कोई बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं तो वहाँ उसको ग्रेजुएशन का करेक्टर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट उसको वहाँ का होना चाहिए। और बात रहे टेंथ ट्वेल्थ की बात है, तो टेंथ में आपके पास एडमिट कार्ड तो भी करेगा, मार्कशीट हो गया और जो है पासिंग सर्टिफिकेट जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं वो ट्वेल्थ में भी सेम, एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ये इतने डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपको प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ेगा। हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा था, उधर उधर के वीडियो देख के इतना समझ नहीं पा रहे थे, यहाँ आए तो सुबह से शाम हो गए। तो आप लोग पहले से ही उस टाइप से अरेंज करके आइए जितना डॉक्यूमेंट है। हाँ, फोटो 10 पीस निकाल लीजिएगा, वैसे जो है करेंटली 6 से 7 पीस लगने करेगा फोटो, फिर बाद में फिर जब एडमिशन हो जाएगा ना उस टाइम फिर लगेगा, तो 10 पीस जो आपके एडमिट कार्ड पे जो फोटो है वही फोटो आप निकाल लीजिए ताकि आपको उस टाइम काम आएगा, ठीक है। अगर किसी के पास वो फोटो नहीं है तो कंप्यूटर वाला के पास जाइएगा ना, तो उसी पे उसका स्क्रीनशॉट लेके कुछ ना कुछ करके वो जो है ना बना ही देता है। तो वीडियो में इतना तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक सुने। तो अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में करिए, और ये भी बताइए जो कौन कौन बच्चे जो है DMCH में आने वाले हैं, कॉमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो के यहीं पर करते हैं शुरुआत। धन्यवाद।